वो जो बॉल उन्होंने फेंका है फौज की तरफ, तो फौज ने उसका एक मेरे ख्याल से कौम को ये भी बताया है कि वो अपना ड्यू रोल जो है, जैसे कि आईएसपीआर के चीफ है उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो प्ले करेंगे, और उससे यही बताने की कोशिश की गई है कि वो इम्पार्शली इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी बजा आवरी करेंगे। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर ये बड़ा वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई हुक्म देती है तो फिर गवर्नमेंट की हर ब्रांच जो है और हर हुकूमती इदारे के ऊपर उसकी तामील लाजिम होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है और इसका जो है खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा मसला उठा है वो ये भी उठा है कि एफआईए और नैब और दीगर जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, एंटी करप्शन के इदारे हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ी बुरी तरह से टेंट हो चुके हैं। और ये पानामा केस की समाअत के दौरान बार बार जिक्र हुआ, एफआईए का भी जिक्र हुआ, नैब का भी जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कई जज साहिबान ने अदम एतमाद का इजहार किया, जजमेंट में भी कुछ ऐसे रेफरेंसेज हैं। तो अगर बिल्कुल ये तफ्तीश उनके हवाले कर दी जाती तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो फैसले की रूह है शायद वो सही तरह से उस पर अमल दरामद ना होता। मगर इसके साथ एक और अलग सवाल ये भी है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हम सब ताजीम करते हैं, मगर ये फैसला उनका जो है इसके ऊपर ये सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई के पास कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है जो कि माविन साबित हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग या ये मनी ट्रेल जिसे कहा जा